लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप ये जो अभी आप जिस पे काम करते हो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये आपका 2D होता है, और 3D में जब आप काम करोगे तो वो 3D में जाएगा, जिसको हम इंटरचेंज करते हैं उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे जो राइट कॉर्नर है वर्क स्पेस पे जाओगे और वर्क स्पेस स्विचिंग पे आप ड्रॉप डाउन बार पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, तो यानी ये हमारा 2D है और 3D में हमें काम करना है, तो हम 3D बेसिक को आप क्लिक करोगे। तो अब हमारा ये जो पैनल्स है वो सारा चेंज हो जाएगा, जो हमारा 2D का जो पैनल्स था और जो 3D में हमारा पैनल्स है, दोनों में अंतर होता है, और आप इस अंतर से पकड़ सकते हो कि आप किस मॉडल के अंदर काम कर रहे हो, यानी कौन से वर्क स्पेस में आप हो। तो हम बात कर रहे हैं अपने प्रिमिटिव्स की, तो प्रिमिटिव्स के अंदर वन बाय वन करके हम समझेंगे कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बॉक्स पे हम जाएंगे, बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे तो इसके बारे में भी आपको बता देगा। ठीक है, जैसे हम सिलेंडर पे गए, कुछ देर के लिए माउस को छोड़ दिए हैं, तो देखिए इसको ये बताएगा। ठीक है, क्या करा है कि फर्स्ट पे है, आप यहाँ पे क्लिक करो, सेकेंड पे आप इसका रेडियस दो, देन आफ्टर दैट आप हाइट दो। ठीक, बॉक्स से शुरुआत करते हैं, बॉक्स हमने लिया और अपने ड्राइंग शीट पे हम कहीं भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और देखो हमने एक लाइन दिया। ठीक है, और लाइन के साथ देख रहे हैं कि हम लेंथ भी दे रहे हैं और उसकी ब्रेथ भी दे रहे हैं, ये देखिए दे रहे हैं, हमने क्लिक किया। अब देखिए कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हमको ये लाइन दिख रहा है। अब हमको हाइट देना है। ठीक है, तो हाइट देने के लिए हमको जितना देना होगा, अब ये जो इनबॉक्स आपको दिख रहा है, आप डाटा भी दे सकते हो और नहीं तो आप छोड़ सकते हो। जैसे डाटा मुझे 10 देना तो 10 दे सकते हैं, क्लिक कर देंगे तो देखो ये बन चुका है। इसकी हाइट की अगर बात करो तो इसकी जो हाइट होगी वो 10 है, क्लियर है ना, देखो ये 10 बन चुका है हमारा। ऐसे आप अपने हिसाब से हाइट इसकी रख सकते हो। दूसरा, आप सिलेंडर उठाओ, सिलेंडर को क्लिक करो और आप सिलेंडर पे यहाँ कहीं क्लिक करो। अब देखो क्लिक किया, जैसे रेडियस हमको 5 का देना, हमने 5 का दिया। ठीक, अब इसको हाइट देना है, तो देखो हाइट अब मैं 5 का दूंगा। ठीक है, तो देखो अब पता चला ना, ये 10 का है, ये 5 का है। ठीक, अब ये देखो ये क्या है, आपको वायर टाइप में दिख रहा है, ये भी वायर टाइप में दिख रहा है, क्लियर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3D में बन चुका है, सिंपल है। आप यहाँ पे देखो लेफ्ट कॉर्नर में 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है। ठीक है, हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, साउथ आइसोमेट्रिक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल को चूज कर लेंगे, जैसे चूज करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा बन चुका है। तो इसी तरीके से बाकी को भी हम बनाएंगे। ठीक, अब हम अगला लेते हैं कोन के लिए। ठीक है, कोन के लिए हम क्या करेंगे, वही हमने लिया जगह और 5 लिया और हाइट भी देंगे इसको, मान लीजिए इस बार हम देते हैं फिर से 5 हाइट, तो देखिए ये 5 में ऐसे बन गया। ठीक है ना, ये कोन बन गया। फिर आप कोन को, आप बार बार यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो आप लिए रहेंगे वही एक्टिव रहेगा, इसी पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका कोन एक्टिव हो जाएगा। फिर से आपने लिया, अब कि आपने 2 डाटा इन किया और नीचे की तरफ डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, डायरेक्शन देंगे, अब नीचे जाना कितना, 10 टेन भी चले जाइए, देखिए ऐसे आपका बन गया। फिर वही काम करेंगे स्पेयर में भी करेंगे, स्पेयर में आप कहीं भी क्लिक करिए। ठीक है, देखिए स्पेयर है, अगर आप देते हैं 2 का तो स्पेयर 2 का बन जाएगा आपका। ठीक, अब पिरामिड्स की भी बात करें, पिरामिड्स में भी क्या है, आप क्लिक करिए। ठीक है, ये दीजिए आप 2 का, इसको दीजिए हाइट, दे सकते हैं, डायरेक्शन दीजिए, आप डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ दे दीजिए। ठीक है, डायरेक्शन आपको 5 जाना है, 5 दे दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप पिरामिड अगेन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डाउन साइड जाना, क्लिक करिए, इस बार आप 5 अगेन डाटा लेते हैं और फिर ये जो है नीचे की तरफ 10 जाते हैं डायरेक्शन देकर के, तो देखिए ये ऐसे बनते जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पिरामिड में, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए जब भी मैं क्लिक किया और देखिए ये चारों ओर हम रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑफ कर रखा है, ठीक है ना, यानी एफर्ट।
ऑर्थो बटन आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीधा हो गया, यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करेगा हमारा, फॉलो करेगा। ऑफ कर रहा हूं तो देखिए तुरंत, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम ले लेते हैं तब उसमें देखिए ये आपको लाइन सिक्वेंस में ही फॉलो करेगा। अब यहाँ पे 5 मैंने इन किया और अब डाटा ऊपर की तरफ देता हूँ और दे देता हूँ 10, देखिए क्लियर है ना। तो ये अंतर था जरा सा, आपको बताना जरूरी है इन चीजों को आप समझे। और देखिए ये देखिए इसमें क्या है कि आप क्लिक किए ठीक है, आप ले लीजिए डाटा 3 का ठीक। अब आप इसको ये देख सकते हैं, देखिए उसको पूरा करेंगे तो ये सर्कल में चेंज हो जाएगा ठीक है। 3 का लिए 1 क्लिक करिए, देखिए ऐसे बन जाएगा, सिंपल है। आपका करना क्या है कि आप इसको चूज किए, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करिए ठीक है, जो भी आपको रेडियस देना है वो दीजिए। रेडियस जैसे मुझे 3 का देना है, 3 का मैंने रेडियस दिया और 1 का मैंने इंटरनल, मतलब उसमें से माइनस हो जाए। तो देखिए ये हमारा हो गया। यदि आप इसको क्लिक कर रहे हैं ठीक है और 3 और फिर से 3 ले रहे हैं तो देखिए ये पूरा इस तरीके से भर जाएगा, ये देखिए दिखा रहा है ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये डाटा पे इस तरीके से इसको बनाने का काम हम लोग करते हैं ठीक। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको मूव कैसे करते हैं और इसका व्यू क्या होगा।